हेलो लवली एंड ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू द लाइफ ऑफ शर्माज। मेरा नाम राजन। तो अभी है ना मेरे पास ये है हूवर। अभी मेरे को पहले सिंह में हूवर करना है, ठीक है। रवीना अभी वो गई हुई है ऑफिस। नॉर्मली वो घर से काम करते, लेकिन महीने में 2 दिन ऑफिस जाती है, तो अभी ऑफिस गई हुई है। तो मैंने ना थोड़ा सा सोचा रूम साफ कर दूँ, और उसके बाद नीचे थोड़ा साफ करूंगा, थोड़ी बहुत और साफ सफाई है, उसके बाद मैं चाहूंगा जिम। थोड़ा ऊपर बेडरूम भी साफ कर लेता हूँ मैं। मैंने ना पालक को उबाल लिया था, क्योंकि ना वो ख़राब हो जाते, मैंने उबाल लिया इसको ना, शायद पालक पनीर या कुछ करके बनाऊंगा। और यहाँ पर मैंने गैस को है ना मतलब साफ कर दिया, थोड़ा बहुत आ रहता है इसमें भी रहता है, वो मैंने जिम से आके साफ करूँगा, क्योंकि जिम मैं अभी जाऊँगा, बाद में नहीं जाऊँगा। क्योंकि अगर जिम अगर बाद में जाऊँगा ना तो शाम में हो जाएगी, और शाम में इतनी भीड़ हो जाती है जिम के अंदर, सीधा ऑफिस से लोग सीधा जिम के अंदर आते हैं, और मशीनें मतलब कि मुश्किल से डंबल नहीं मिलते, मशीनें नहीं मिलती। तो मैंने सोचा कि पहले निपटा दूँ जिम को मैं, और मैं निकल गया जिम के लिए। और है ना बारिश की है ना मेरे से दुश्मनी है, पूरे दिन कोई बारिश नहीं है। और जैसे ही आज मैं जिम भी निकला हूँ लेट, और जैसे ही मैं जिम के लिए चालू हुआ, जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया, वैसे ही बारिश चालू हो गई। शोल्डर हो गई, और साथ में मैंने थोड़ी ट्राइसेप मार ली अबू ट्रेडमिल पे। प्लान है आज कम से कम 2.5 किलोमीटर करने का, तो देखते जो होता है, लेकिन आधे घंटे के अंदर ही करना, यही डेडलाइन है। सो हो गया 3 किलोमीटर से ऊपर, हो गया 28 मिनट, आधा घंटा मतलब 1 ही मिनट बचा है। सो प्लान था 2.5, लेकिन हो गए 3 से ऊपर। अदा सेट, आज का कार्डियो ख़त्म। तो जिम से आते आते भी ले लिए मैंने अंडे, 12 अंडे खरीदे हैं। और इंडिया की याद आ गई, जैसे नहीं होती है मछली वगैरह मीट वगैरह काली थैली में देते हैं, वही काली थैली, लेकिन इसके अंदर अंडा है। देखो ये मेरा घर है, और यहाँ पर नॉर्मली रवीना पार्क करती है, और अभी वो है नहीं, काम पे गई है, तो बड़ा सूना सा लग रहा है, उसकी गाड़ी है नहीं, क्योंकि घर से काम करती है तो आदत सी पड़ गई है देखने की। तो ये मेरा हो गया पालक, जो उबाल के रखा था वो ब्लेंड हो गया, और इधर उबल रहे अंडे, तो बनाऊँगा पालक और अंडा करी, फ्राई करूँगा अंडा। और कोई ज़्यादा अनहेल्थी नहीं, बिल्कुल इतना सा इसके अंदर कोकोनट ऑयल है, और उसमें अंदर हल्का सा फ्राई करूँगा। अंडे मेरे हल्के से भुन गए, अब ये अंडों के अंदर हल्की है ना मैं पियर्स कर दूँगा, ताकि इसके अंदर मैं डिप डालूँ ना तो फ्लेवर अंदर तक जा सके। मसाले में चला गया पालक, उसके बाद हल्का सा ये भुना हुआ, फिर मसाले ही मैंने भुना था, भुना हुआ अंडा डाल दूँगा, ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि पालक के न्यूट्रिशन मारने नहीं है। तो ये बन गया मेरा अंडा पालक, इसके अंदर अंडा लाल मिर्ची भी है, ज़्यादा मैंने मक्खन वगैरह क्रीम नहीं डाला, इसलिए थोड़ा डार्क कलर है। और ये सारा कुछ है ना एक चम्मच, मतलब कि एक चम्मच से भी कम ही होगा, कोकोनट ऑयल में बना है ये। इधर मैंने गैस का जो होता है ना ये सारा साफ कर लिया, और इसको साफ करके लगा दूंगा। कुकिंग डन, और ये सारा गैस भी साफ हो गया, परफेक्ट। रवीना फाइनली घर आ गई, अब बर्मिंघम से रोटी लेके आई है, मम्मी ने रोटी दी होगी, नहीं नहीं मम्मी मेरी सास ने उसको रोटी दी, बोलती रोटी नहीं लेके आई है। ये आ गया खाना बर्मिंघम से, ये तो रवीना का है, ये मेरे ख्याल में आलू गोभी टाइप कुछ लगती है, और ये मैंने सब्जी तो बना ली अपनी, और ये मेरी रोटी। तो रवीना क्योंकि ऑब्वियसली बर्मिंघम में काम करते, बर्मिंघम से मम्मी ने आते वक्त सासू माँ ने ये रोटी दी, तो थैंक यू सो मच सासू जी। सो अब करता हूँ मैं टेस्ट कि खाना, वैसे तो अंडा टेस्ट करना, मस्त बना है। तो पालक पनीर होते हैं बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल, बस ऑब्वियसली मैंने पनीर क्योंकि पास की दुकान में मिलता नहीं है ना, इंडियन शॉप जाना पड़ता है, वो है दूर, तो पनीर की जगह मैंने अंडा यूज़ कर लिया, हाई प्रोटीन।